हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में आप सभी को शो करने वाला हूँ कि आप यहाँ पर एक और न्यू मॉडर्न कंट्रोल सेंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी शोमी के डिवाइसेस में। तो यहाँ पे MIUI के पास ऑलमोस्ट 10 प्लस मॉडर्न कंट्रोल सेंटर हैं। अब यहाँ पे एक और मॉडर्न कंट्रोल सेंटर आ चुका है और ये वाला कंट्रोल सेंटर बाकी के मुकाबले में लाख गुना बेटर और इसकी जो स्पीड है, ओपनिंग स्पीड और क्लोजिंग स्पीड, वो हमारी ओरिजिनल जैसी ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका डिवाइस यहाँ पर रूटेड है। तो रूट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैजिक मैनेजर ओपन करना है। मैजिक मैनेजर की आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ से जायजिस को टर्न ऑन कर लेना है। जायजिस को टर्न ऑन करने के बाद आपको सिंपली LS पोस्ट जायजिस को अपने मैजिक मैनेजर में फ्लैश कर लेना है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके चेकआउट कर लेना। तो इसी के बाद आपको सिंपली एक APK इंस्टॉल करना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जियो, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड लॉक स्क्रीन के जो टॉगल्स हैं वो आपको सबसे टॉप पर मिल जाएंगे और उसके भी ऊपर आपको म्यूज़िक प्लेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके नीचे आपको टॉर्च और हॉटस्पॉट मिल जाएंगे और इसके नीचे आपको डेट एंड टाइम और बाकी के टॉगल्स जैसे कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम पैनल, ये सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप यहाँ से इनको भी एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी टॉगल्स यहाँ से ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, आप अपने हिसाब से इजीली कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर कैसा लगा। और इस बार सिंपली करने के लिए आपको ये वीडियो का लिंक टैप करना है, एप्लीकेशन का लिंक टैप करना है, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जगह पे चेकआउट कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका एक मिनट का टाइम यहाँ पर ले सकता है इसको फुली स्टार्ट होने में। तो मैं इसको अपने रेडमी Y3 MIUI 12 में यूज़ कर रहा हूँ, Android 10 में रन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि ये Android 10, Android 11, Android 12